किताबत के कुरान करते जा रहे और आवाज के साथ सूरह कहफ की तिलावत सरे हुसैन कर रहा है और जैन दुनिया तम अपने घर के रोशन कान से सुन रहे हैं तिलावत और सर की कुछ सामने जब आ गया साहबी रसूल के तो कहा हाँ आप सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। इसलिए कि शुरू में कहा जाता है कि अधिकतर है इसे असाब कहफ, पहली आयत यह है। तो जैन बिन अरकम ने कहा कि हाँ जैन बिन अरकम कह रहे हैं हाँ असाब कहफ पर के साथ अधिकतर है, बेशक आप सही तिलावत, लेकिन है हुसैन आपका गुस्सा असाब कहफ से भी ज्यादा है, आपकी शहादत उससे भी ज्यादा अजीब कर है। सुना तिलावत साफ सुनी लो राहिब के जय में सर जाए तो हुसैन कलमा पढ़वा के मां हसनी हुई लॉ और रास्ते भर भारत नेता हुआ सरे हुसैन गंगा दी को भी और बदलते रहे तमाशा देखने वाले खड़े हुए थे और नए नए कपड़े पहन के ऐसे ऐसे ईद का दिन और अरब वालों का दस्तूर था कि ईद के दिन जब ईदगाह जाते थे तो नवीन कपड़े पहन लेते और बच्चों को भी पहना लेते और बच्चों को कानों पे बिठा के ईदगाह जाते। ये अरब में भी दस्तूर था, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी दस्तूर है कि बच्चों को लेके ईद के दिन निकलते हैं, लेकिन आज जो ईद मना रहे थे कूफे वाले ये ईद बड़ी अजीब थी, सब अपने बच्चों को रंगीन कपड़े पहना कर लाए थे कंधों पर बिठा कर, काफला नमदार हुआ मजमे ने शोर मचाया और बाजे खूब खुशी के बजने लगे। एक शख्स अपने बच्चे को कांधे पे बिठाएगा कि नेजे पे सरे हुसैन का मजार हुआ, कितनी काफी इंतजार करता हूँ आपके लिए दुआ करता हूँ सरे हुसैन का मजार हुआ। बच्चे ने बाप से पूछा कि वो जो हाकिम का बापी है उसका सर इसमें कौन सा है, बाप का बेटा जो सबसे आगे सर है ना बदल लेते तो यही हुसैन है, इसी ने जंग की है हुकूमत के खिलाफ। कहा बेटे ने कहा यह है बाकी, कहा बेटे ने कहा बाबा जरा मुझे जमीन पे उतार दीजिए, बाप ने बेटे को जमीन पे उतार दिया, दौड़ कर बेटे ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया तो सर हुसैन पर ही मारा, तो उसने खेच कर सर हुसैन पर लड़के ने एक पत्थर मारा, जैसे पत्थर सर हुसैन की पेशानी खून बहा सर फटा खून चला एक बार